ready? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑफ दिस चैनल। सो जैसा कि आपको पोस्टर से पता लग गया होगा, आज है मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का फाइनल डे, जिसका हम सब काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और आपको पता लग जाएगा क्यों, क्योंकि इसमें मूर्तियों को उनकी जगह से हटाकर और शोभा यात्रा में ले जाया जाता है, और फाइनल जहाँ पर उनका केबिन बना रखे है वहाँ पर उनको प्लेस कर दिया जाएगा, स्थापित कर दिया जाएगा। तो काफ़ी मज़ा आने वाला पूरी वीडियो में। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो लास्ट तक अगर पसंद आए तो लाइक और अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर डालिएगा, जिससे मेरे को पता लगे कि आपकी वीडियो पसंद आई है। तो चलिए अभी फिलहाल चलते हैं मंदिर में, वहाँ पर तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे देखो हवन की तैयारी हो रखी है, तो जिस टाइम हम सारी मूर्तियों को शोभा यात्रा में ले जाएंगे तो मीन टाइम में जितने भी पंडित जी हैं वो सब यहाँ पे हवन करेंगे। तो जब तक हम वापस आ जाएंगे वहाँ से तो यहाँ हवन कंप्लीट हो जाएगा। आंटी नमस्ते, थोड़ी देर के लिए, हाँ फिर डांस भी तो करना है। यहाँ हो रही है तैयारी शोभा यात्रा में जाने से पहले, वस्त्र पहना रहे सारी मूर्तियों को। यहाँ पर है काल भैरव बाबा की मूर्ति। ये हो रखे सारे रथ तैयार, इसमें लक्ष्मी जी का हो गया, यहाँ पे बीच में गणेश जी का हो गया, और यहाँ पे पूरा शिव परिवार रहेगा, और साथ में भैरव बाबा की मूर्ति। अब इस टाइम मूर्तियाँ लाने की तैयारी हो रही है, तो काफ़ी वजन है मूर्ति में, तो बहुत सावधानी के साथ बाहर लाना पड़ेगा ये, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हो गया तो खंडित हो सकती है मूर्ति। तो पूरी प्लानिंग के साथ लिया जा रहा है कि किस तरीके से लाया जाएगा, किस तरीके से उतारा जाएगा। अब देखो आप, इसमें ही देखने में मज़ा आएगा, इस चीज़ में मेन ये। Thank you.
few moments later. सभी बच्चे हाथ धो करके मूर्ति को स्पर्श करेंगे और अंदर लाएंगे. मूर्ति को उठाने वाले तो हाथ धो लें, हाथ पैर धोगे. छत्तर ओए छत्तर मत पकड़ियो पीछे. ये इसे इसे किसने कर लगाया पीछे पीयूष को. अरे बच्चे के पीछे जाओ. हालत तुम चले जाओ. बच्चे सब मल्ली के पीछे से. ये एंगल लग गया. मैं एंगल पे सरका ले. एंगल पे नहीं सरकने का. पता नीचे खंडित हो जाएगी. पैर वैर ना लग जाए किसी का. बस अरे मोड़ देख के स्टूल आगे कर दे. पेट है उनका. ड्रम नहीं है बच्चों का. आओ भाभी जी शर्मा जी. अच्छा क्या कह रहा है. हाँ सोम्य जी भी आ गए. आंटी